हेलो गाइस, मेरा नाम है नमन। आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे रेडमी 8 डिवाइस में गूगल कैमरा यानी कि जी कैम वर्क कर रहा है और कौन सा वाला आपको इंस्टॉल करना होगा जिससे कि आपको काफ़ी कमाल के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। गूगल कैमरा का यूज़ करके इसमें आप काफ़ी कमाल की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, काफ़ी धांसू वाली पोर्ट्रेट इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, HDR वाली, HDR प्लस, HDR एनहेंस वाली इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे Redmi 8 डिवाइस में कैमरा ट्यूपी बाई डिफ़ॉल्ट इनेबल करके दी गई है लेवल 3 पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम गूगल कैमरा ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसमें कई गूगल कैमरा के पोर्ट्स ट्राई किए, मैंने अर्नोवा के कुछ बिल्ड्स को ट्राई किया इसमें, और मैंने सैन वन टाई वाली बिल्ड्स को भी ट्राई किया जो कि पोको F1 में चलती हैं। तो अर्नोवा वाली बिल्ड क्या था कि वर्क तो कर रही थी लेकिन वो काफ़ी लैगी थी, थोड़ा स्टटर कर रही थी, उसका UI थोड़ा स्टटर कर रहा था। लेकिन जो सैन वन टाई जो कि पोको F1 में चलता है गूगल कैमरा, वो वाला पोर्ट में जब मैंने इसमें ट्राई किया तो वो काफ़ी सही तरीके से काम कर रहा है। मतलब पोर्ट्रेट इमेजेस, HDR इमेजेस आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं और ओवरऑल काफ़ी कमाल की, काफ़ी डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो इसे ट्राई करने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हाँ भाई, हमारे Redmi 8 डिवाइस में जो प्रोसेसर लगा गया है Qualcomm Snapdragon 439, वो इतना पावरफुल, इतना कैपेबल नहीं है। तो गूगल कैमरा से जो इमेजेस आप कैप्चर करेंगे उन्हें प्रोसेस करने में, यानी कि HDR प्लस इमेजेस को प्रोसेस करने में ये थोड़ा सा टाइम लगाता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, मतलब इमेज कैप्चर करने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। बट ओवरऑल जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो काफ़ी कमाल के होंगे, तो मतलब वेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर Redmi 8 डिवाइस में जो बेस्ट गूगल कैमरा पोर्ट होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल जो गूगल कैमरा इसमें सबसे अच्छे तरीके से काम कर रहा है उसका लिंक अभी मैं दे रहा हूँ, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यानी कि बाद में कभी देख रहे हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। यानी कि उस टाइम तक अगर मेरे को और भी कोई स्टेबल गूगल कैमरा पोर्ट मिलता है इसका, तो मैं उससे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाके लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके ट्राई करिएगा। और कभी भी अगर आप उसे डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और वर्क नहीं करता, तो आप सिंपली उसे एक बार फोर्स क्लोज कर दीजिए और उसके बाद ये वर्क कर जाएगा। और साथ ही अगर आप चाहें तो उसकी सेटिंग में भी थोड़े बहुत ट्वीक कर सकते हैं अगर आपको एप्रोप्रिएट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो। बाकी ओवरऑल मेरे को इमेज क्वालिटी काफ़ी सही लगी स्टॉक कैमरा के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे फिलहाल जो गूगल कैमरा पोर्ट हमारे Redmi 8 में चल रहा है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं है, यानी कि वीडियो रिकॉर्डिंग और स्लो मोशन वीडियोज़ आप इसमें नहीं कैप्चर कर सकते हैं, उस पर जाते ही कैमरा क्रैश हो जा रहा है। लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड, HDR, HDR एनहेंस्ड और नाइट साइट, ये सारे फीचर्स बहुत ही कमाल तरीके से काम कर रहे हैं फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरा में, तो आप इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। बट फिलहाल जो गूगल कैमरा इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ वो कभी कभी क्रैश हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा जो कि मैंने इसके स्टॉक कैमरा और गूगल कैमरा से कैप्चर करी हैं। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टॉक कैमरा भी काफ़ी सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गूगल कैमरा कहीं ज़्यादा बेटर है, बहुत ही बेस्ट है। आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत अच्छी डायनेमिक रेंज वाली इमेजेस मिल जाएंगी गूगल कैमरा का यूज़ करके। मोस्टली मैं किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में अगर गूगल कैमरा का यूज़ करता हूँ तो मेरे को पोर्ट्रेट मोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बाकी आपको कौन सा मोड इंपॉर्टेंट होता है आप मुझे कॉमेंट करके बता दीजिए, लेकिन पोर्ट्रेट मोड मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर वो वर्क नहीं करता तो मतलब गूगल कैमरा किसी काम का नहीं है। और साथ में HDR प्लस और HDR एनहेंस्ड भी काफ़ी कमाल की इमेजेस कैप्चर कर देंगे आपके लिए। अब जैसे कि आपको पता होगा कि Redmi 8 डिवाइस में आपको स्टॉक कैमरा के अंदर नाइट साइट वाला फीचर नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे गूगल कैमरा का यूज़ करके आप नाइट साइट वाली भी काफ़ी कमाल की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आपको Redmi 8 डिवाइस में गूगल कैमरा को ट्राई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और गूगल कैमरा की इमेजेस का मज़ा ले सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और Redmi 8 डिवाइस से रिलेटेड कुछ और भी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं, तो अगर आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।